हाय, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फूड एंड लाइफस्टाइल में। तो आज बनाते हैं बढ़िया सी लाजवाब सी कचौड़ी और सब्जी। तो देखिए इसके लिए मुझे किन किन सब्जियों की जरूरत है। तो इसके लिए ले लिया है मैंने ये एक गोल बैगन। गोल बैगन का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही साथ लिया है मैंने दो प्याज, दो टमाटर, पालक ले लिया है थोड़े से, और ले लिया है आलू। आलू इस तरह से छोटे साइज का लीजिए और इसका स्वाद जब बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा। साथ ही साथ लिया है मैंने ये लहसुन। तो सारी चीज़ों को मैं अच्छे से धो के काट के रख लेती हूँ। तो देखिए आलू को मैंने इस तरह से थोड़ा बड़े बड़े कट कर लिए हैं, बैंगन भी काट लिया है, पालक को बिल्कुल बारीक काट लिया है, और लिया है साथ ही साथ मैंने ये 10-12 कलियाँ लहसुन की और 4 हरी मिर्च। सारी को पीस के मैं दरदरा कूट लेती हूँ। कुछ ड्राई मसाले में 2 लाल मिर्च, 1 चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच मंगरैल, थोड़ा सा सौंफ और हींग ये ले लिया है। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए चढ़ा लिया है मैंने गैस पे पैन, और मैं डालूंगी इसमें लगभग 2 बड़े चम्मच सरसों के तेल। तो सरसों के तेल में सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से मैंने डाल दिया है और इसको थोड़ा सा अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। देखिए तेल अच्छे से मेरा गर्म हो गया है। तो अब मैं ये जो मसाले रखी थी पचफोड़न का वो डाल देंगे। सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी, लगभग 30 सेकेंड इसको अच्छे से भून लेते हैं ताकि मसाले में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। जितने अच्छा ये भुनेगा उसका सोंधापन बहुत अच्छा आ जाता है। और ये लहसुन और मिर्च जो मैंने दरदरी कूट ली थी वो इसमें डाल देंगे। तो कूटे हुए मसाले का स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से मैंने इसको डाल के भून लिया है। इसका कलर आने तक, ऑयल सेपरेट होने तक मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। तो देखिए कितने अच्छे से इसकी भून गया है। और अब मैं गैस को थोड़ा सा मीडियम कर दूंगी और उसमें डाल दूंगी मैंने जो ये प्याज लिए थे, 2 प्याज, उसको बारीक कट करके रखा था, वो इसमें डाल देते हैं। और डालने के बाद मैं इसको भी अच्छे से भूनूंगी, मीडियम आंच पे भूनेंगे। देखिए अच्छे से ये मेरा भुनना शुरू हो गया है। इसको लगभग 1 से 1.5 मिनट लगेगा और अच्छे से प्याज भुनना मेरा ये देखिए शुरू हो गया है। कलर भी अच्छा आ गया है। और इसको जितना अच्छा ये भुनेगा प्याज उसका उतना ही अच्छा सब्जी में फ्लेवर आएगा। तो देखिए अच्छे से मैंने इसको भून लिया है, खुशबू भी अच्छी आने लगी है। और बस अब मैं गैस को स्लो कर दूंगी और स्लो करने के बाद मैं इसमें मसाले डालूंगी। तो देखिए अब मैं डाल देती हूँ इसमें लगभग 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। आपको ज़्यादा खाना है तो और भी ऐड कर सकते हैं। तो डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी और ये देखिए भुन गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी जो आलू काट के रखी थी वो डाल देंगे। और उसको डालने के बाद मैं इसमें इसको थोड़ा सा भूनूंगी इसके साथ। तो इस तरह से जब आलू भूनेंगे तो इसमें आलू में इसका एक तो फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाता है और साथ ही साथ अच्छे से ये इसका सौंधापन आएगा। तो इस तरह से भूनने के बाद मैंने डाल दिया है लगभग 1 चम्मच नमक और सारी चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। और अब बस इसको गैस को स्लो कर दूंगी और उसके ऊपर लगा दूंगी ढक्कन और इसको मैं थोड़ी देर, इसको लगभग 1 से 1.5 मिनट इसको पकने देते हैं। 1 से 1.5 मिनट बाद मैंने इसको देखिए खोल के चेक कर लिया है। कितना अच्छा से इसमें देखिए आलू मेरा भुन रहा है और कलर भी कितना अच्छा आ गया है। तो अब मैं डाल दूंगी टमाटर, 2 टमाटर इस तरह से चॉप करके रखी थी वो इसमें डाल दिया है। और डाल के इसको भी अच्छे से मैं थोड़ा भूनूंगी और भूनने के बाद इसको थोड़ा सा ही भूनना है, ज़्यादा नहीं, बस इस तरह से भून लिया है। तो अब मैं डाल दूंगी जो मैं पालक काट के रखी थी वो इसमें डाल देते हैं। तो देखिए कितना कलरफुल लग रहा है, कितना फ्रेश सब्जी, देखने से ही मन खुश हो जाता है। साथ ही साथ अब मैं डाल दूंगी इसमें जो बैंगन काट के रखी थी वो भी इसी टाइम पर डाल दूंगी। और देखिए बैंगन, पालक, टमाटर सारी चीज़ें मेरी इसमें पड़ गई है। और अब मैं इसको डालने के बाद इसको कुछ नहीं करना है, बस इस टाइम पे मैं इसको ऐसे ही कर रख के और इसमें ढक्कन लगा दूंगी। और लगाने के बाद इसमें मुझे धीमी आंच में 1 से 1.5 मिनट पकने देना है। तो 1 से 1.5 मिनट बाद खोल के मुझे चेक कर लेना है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद जब ये देखें अच्छे से भुन रहा है तो अभी मैं इसमें धीमी आँच में इसको थोड़ा सा भूनूंगी। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा अब डाल देती हूँ, ढक्कन लगा देती हूँ
और लगा के इसको अच्छे से पकने देते हैं। तो देखिए अब मेरी सब्जी कितने अच्छे से 1 से 2 मिनट बाद ये पक गई है। अब इस टाइम पे डाल देती हूँ 1 चम्मच किचन किंग मसाला, और डालने के बाद हल्का सा इसको चलाना है। तो किचन किंग मसाला जब भी डालेंगे तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आ जाएगा। और इसके डालने के बाद मैं इसको फिर से ढक देती हूँ और इसको पकने देते हैं। थोड़ा सा इसको और कसर रह गया है, देखिए ये अब पूरा अच्छे से ये पक गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी हरी धनिया। हरी धनिया डालने के बाद इसका स्वाद बिल्कुल बदल जाता है, कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो इस तरह से मैंने धनिया की पत्तियों को भी डाल दिया है। और अब डाल दूंगी इसमें लगभग 1 चम्मच शुद्ध देसी घी। तो देसी घी डालने से इसका जो कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा, साथ ही साथ जब इसको आप ढकेंगे तो इसमें इसका इस तरह से ढकने के बाद इसमें बहुत अच्छा सा सौंधापन आ जाएगा। तो चलिए अब कचौरियाँ बना लेते हैं। सब्जी तो मेरी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो इस तरह से ले लिया है मैंने ये उड़द दाल की बड़ी, इसको मार्केट में आसानी से मिल जाता है, और नहीं है तो आप इसको मार्केट में ले लीजिए। इसकी कचौरियाँ जब बनाएंगे ना तो इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो इस बड़ी को मैंने इसमें डाल लिया है, और डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी पानी। लगभग आधा कटोरी पानी डाल के मैं इसको ढक दूंगी। ढकने के बाद इसको हम ऐसे छोड़ देंगे लगभग 2 से 3 मिनट बाद। इसको जब खोल के देखते हैं तो देखिए कितने अच्छे से पानी सोख कर लिया है, ये फूल गया है, और ये देखिए आराम से इस तरह से टूट जा रहा है। तो अब मैं सारे को अच्छे से मैं इसी में तोड़ लेती हूँ। अच्छे से तोड़ के इसी में मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। अब ले लेती हूँ मैं आटा। आटा लिया है मैंने लगभग 1 कटोरी गेहूँ का आटा, और अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा नमक, साथ ही साथ थोड़ा सा देसी घी डाल दिया है। और जो ये बड़ियाँ थी इसको मैं इसमें सारा ऐड कर देती हूँ। पानी के साथ ही मैंने उसको ऐड कर दिया है, और साथ ही साथ डाल दूँगी धनिया की पत्ती। अब मुझे कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ों को मिला के मुझे अच्छे से इसको गूंथना है, और अगर पानी की ज़रूरत है तो डाल के एक अच्छा सा, जैसे आप आटे का डो लगाते हैं कचौरी के लिए, बिल्कुल वैसा ही इसका टाइट डो लगा लेना है। तो देखिए अच्छे से मैंने इसको मल लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको बिल्कुल कड़ा डो तैयार कर लेना है। तो देखिए ये मेरा डो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हाथों से इस तरह से दबा के इसको मैं रख दूंगी लगभग 10 मिनट ऐसे छोड़ देते हैं। और 10 मिनट बाद मैंने देखिए अच्छे से ये पूरा सेट हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। और मैं अब इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेती हूँ इस तरह से, और इसको कचौरी की तरह बेल लेते हैं। तो इसका पतला पतला इस तरह से मैंने बेल लिया है, और अब सारी कचौड़ियाँ मैंने बेल के रख ली हैं। अब इसको फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। तो गाइज अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सारी कचौड़ियाँ मेरी बन के बिल्कुल रेडी हो गई हैं, और सब्जी भी बन गई है। तो गाइज़ आप ये कचौड़ी सब्जी एक बार ज़रूर बनाइएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।